और, बहुत विनम्रतापूर्वक। अजय जी एक बात और, हम लोग कोशिश करते हैं पर बार बार वापस आ जाते हैं, कारण दृढ़ संकल्प बान नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं पर उसको लगातार कोशिश नहीं करते, एक दो धक्का लगने पर वापस आ जाते। हमारे प्रभु श्री राम जी से सीखो, राम जी ने संकल्प लिया निश्चरहीन करो राम जी ने संकल्प लिया हमारा प्रण है, क्या प्रण है, पूरी पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर देंगे। और तब तक भगवान ने अपने जीवन में विश्राम नहीं किया जब तक निशाचरों से हीन पृथ्वी नहीं हो गई। लंका भी जाना पड़ा तो गए, रावण का वध किया, मैत्री भी विभीषण से की, सुग्रीव को गले लगाया, पर रघुनाथ जी का संकल्प था इस पृथ्वी से निशाचरों से हीन करेंगे। भैया जो रघुनाथ जी की तरह दृढ़ संकल्पवान रहता है उसे दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। हमें दृढ़ निश्चय लेना सीखना है। दृढ़ निश्चय बहुत लोग लेते हैं, कई लोग कसम खा लेते हैं आवाज से हम गुटखा नहीं खाएंगे या पिएंगे नहीं, समझ जाओ आज से हम पिएंगे नहीं। दो चार दिन तो बढ़िया रहते हैं, पांचवें दिन भूल जाते हैं। एक आदमी हमें मिला, हमने कहा कि गुटखा क्यों खाते हो, बोले गुरुजी हमने तो छोड़ दिया। हमने कहा फिर भी क्यों खा रहे हैं, बोले हमने तो छोड़ दिया पर हमारे मित्र नहीं मानते हैं, तो वो डाल देते हैं मुंह में तो थोड़ा सा पा लेते हैं कोई। हमने कहा पर तुम नहीं डालते तो क्या हुआ, मित्र डालते तो वो तो तुम अपने मुंह में डालते हैं। अरे भाई मित्र तुम्हें दे देते हैं तो तुम पा लेते हो, ये तुम्हारा दृढ़ संकल्प नहीं है, ये तुम कमजोर हो। ऐसे व्यक्ति सफलता कम पाते हैं, जिन्हें सफलता पानी होती वो दृढ़ निश्चय करते हैं। जैसे हमारा संकल्प है कि हम अब भारत के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में जाकर अपने साथ साथ पूरे विश्व के लोगों को जगाएंगे, अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे। और हम सबको गौरव होना चाहिए, हम सब दुबई में तो बैठे ही हैं पर प्रियजनों हमारी आत्माओं हम लोगों को गौरव होना चाहिए, हम लोग उस संस्कृति से हैं जहां अहिंसा परमो धर्मा की बात की जाती है, हम लोग उस संस्कृति से हैं जहां पूरे विश्व को परिवार की दृष्टि से देखा जाता है, हम लोग उस संस्कृति से हैं जहां के मंदिरों में होने वाली आरती के बाद में हम लोग जय घोष करते विश्व का मंगल हो और विश्व का कल्याण हो। हम लोग उस संस्कृति से हैं, भारत भूमि की उस संस्कृति से हैं, हम लोगों का ये गौरव होना चाहिए जहां हम शत्रु के भाई को भी गले लगा लेते हैं, विभीषण जी को। हम लोग उस संस्कृति से हैं, हम लोगों को गौरव होना चाहिए मेरे भारतीयों और भारतीय मूल के रहने वाले प्रियजनों, आपको गौरव होना चाहिए कि आप उस संस्कृति से हो जहां सात वार हैं मंगल बुध गुरु बृहस्पति शुक्र शनि रवि, लेकिन आठवां वार परिवार है। परिवार की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, अपने जीवन को जीते, एकता के साथ रहते, घर में परिवार के साथ जुल मिलकर के हिल मिलकर के चलते हैं। भैया हम निवेदन करना चाहते आप सबसे, अपनी संस्कृति पर हम लोगों को गौरव होना चाहिए, अपने बच्चों को भी परवरिश देनी चाहिए।